नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और रविवार का दिन है। नौमी तिथि आज सुबह 8:16 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 12:38 तक वैद्य योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:23 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद मृक्षरा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज महानंदा नवमी व्रत है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की, आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यायी जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 6:34 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:16 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 19 फरवरी की सुबह 6:33 से सुबह 10:33 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:16 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 फरवरी की सुबह 6:51 से सुबह 10:47 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:23 से दोपहर 1:10 तक, और एक बार फिर दोपहर बाद 3:25 से रात 12:38 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:46 से दोपहर 1:40 तक, और एक बार फिर दोपहर बाद 3:55 से देर रात 1:08 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर बाद 3:25 से रात 12:38 तक, और एक बार फिर रात 2:57 से कल सुबह 6:57 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक, और एक बार फिर सुबह 8:56 से सुबह 10:22 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:23 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 22 फरवरी की दोपहर 12:59 पर रहेगा। वैसे तो इसे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है
तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा 4:48 से 6:12 तक, मुंबई 5:12 से 6:39 तक, चंडीगढ़ 4:47 से 6:11 तक, लखनऊ 4:34 से 5:59 तक, भोपाल 4:51 से 6:16 तक, कोलकाता 4:08 से 5:33 तक, अहमदाबाद 5:10 से 6:36 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज की शाम 4:47 से 6:15 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज आप पिता का कोई जरूरी काम पूरा करने में सफल होंगे, पिता को आप पर गर्व होगा। छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, आप किसी नए कोर्स के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी कर रहे लोगों को आज काम से राहत मिलेगी। होटल या रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपको आय के नए नए स्रोत मिलेंगे, आप भी इनका लाभ उठाएंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आपका आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज आपके ऊपर नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। घर वालों के सहयोग से आप हर काम को अच्छे से संभाल लेंगे। आप घर में किसी कार्यक्रम की तैयारी करवा सकते हैं। आस पड़ोस के लोग आपको देखकर खुश होंगे। कोई व्यक्ति आपसे अपने बच्चों के करियर के लिए सलाह ले सकता है, आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ऊर्जावान बने रहेंगे, आपका दिन अच्छा रहेगा। अपने जीवन साथी को पूरा समय देंगे। अविवाहित लोगों के विवाह की बात फाइनल होने के योग हैं। आज घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आप किसी धार्मिक कार्य में रुचि लेंगे। ऑफिस का कोई व्यक्ति आपके घर पर आ सकता है, उनके साथ आप कुछ अच्छी बातें शेयर कर सकते हैं। बच्चे किसी काम में आपकी मदद लेंगे, आप बच्चों का पूरा सहयोग करेंगे। बूटी का काम कर रही महिलाओं के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी कस्टमर से आपके पारिवारिक रिश्ते जुड़ सकते हैं। छात्रों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। कंप्यूटर से जुड़ा कारोबार करने वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। अचानक धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको अपनी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। आज आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। आपको अपनी आमदनी को ध्यान में रखकर खर्चा करना चाहिए। करियर को लेकर आज आप कुछ प्लान बना सकते हैं। किसी नए कोर्स में एडमिशन के लिए आपको ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। बच्चे पढ़ने में ज़्यादा समय बिताएंगे। ऑफिस में आज अपने कार्यों को लेकर थोड़ा व्यस्त रह सकते हैं। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। आज कोई नई बात आपको सीखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज बच्चों के किसी काम में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। काम के मामले में आपको अनुभवी लोगों से संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। आपको पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इससे आपको काम में सफलता मिलेगी। किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास करने से आज आपको बचना चाहिए। सेहत के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में प्यार बना रहेगा। इस राशि के साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
आप अपने काम में सफल जरूर होंगे। जो लोग शादीशुदा हैं वो आज कहीं घूमने जा सकते हैं। आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। फर्नीचर का काम करने वाले लोगों को फायदा होगा। आपको कोई बड़ा काम मिलेगा। पार्ट टाइम जॉब कर रहे छात्रों को नौकरी पक्की हो सकती है। आप किसी कंपनी में फुल टाइम नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सराहना होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज के दिन आपको काम में बड़ी ही सतर्कता बरतनी होगी। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस से जुड़ी हैं उनके लिए आज ज़्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी से जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने पहनावे पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही अच्छी सेहत के लिए आपको रूटीन एक्सरसाइज करनी चाहिए। लवमेट्स आज कहीं घूमने की प्लानिंग बनाएंगे। आज घर का कोई काम पूरा करने के लिए बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर सामने आएंगे। रोजमर्रा के कामों में फायदा होगा। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज जीवन साथी से बिजनेस की कोई बात शेयर करने से काम को लेकर आपको कोई अच्छी सलाह मिलेगी। कैटरिंग का काम कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। बच्चे आज किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। आज आपके परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। घर के सभी सदस्य एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। कुछ दिनों से आँख की समस्या से परेशान चल रहे हैं तो आज आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहेगा। आज आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको घर के बड़ों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक रूप से पिता आपकी मदद करेंगे। परिवार में लोगों के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा। शाम को आप परिवार के साथ किसी फंक्शन में जा सकते हैं। अगर आपकी संतान विवाह के योग्य है तो उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। सेहत के लिहाज से आप फिट रहेंगे। ऑफिस में अपना काम अच्छे से पूरा करेंगे। लोग आपके कार्यों से प्रभावित होंगे। लंबे समय से रुके हुए काम आज पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज सरकारी संस्थान से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा, जबकि प्राइवेट काम करने वाले लोगों का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज आपको ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। करीबी लोगों की राय मानना आपके लिए फायदेमंद होगा। आज आपको कमर संबंधी समस्या से राहत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। आज आप पर काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। फिलहाल नए काम शुरू करने से आपको बचना चाहिए। परिवार के मामले में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सबकी बात आपको जरूर सुननी चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ आप किसी ट्रिप की प्लानिंग कर सकते हैं। आप उन्हें कोई गिफ्ट दे सकते हैं। आपके दिल में ताजगी बनी रहेगी। आप कुछ समय अच्छे काम में अपना सहयोग दे सकते हैं। इससे समाज में आपका नाम होगा। आज किसी नए काम के लिए आपको अपॉइंट किया जा सकता है। माता आपसे किसी काम को लेकर सलाह ले सकती हैं। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बिजनेस कर रहे लोगों को कोई बड़ी सफलता मिलेगी। निवेश के मामले में आपको कोई नई सलाह मिलेगी। व्यापार को बढ़ाने का कुछ नए मौके मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। आज किसी प्रॉपर्टी डीलर से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्त की मदद से आपको किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिलने के योग हैं। आप लवमेट के साथ मूवी देखने का प्लान करेंगे। आप घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आपको घर वालों से पूरा सहयोग मिलेगा। एजुकेशन के मामले में दिन अच्छा रहेगा।
करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे, आपके घर में मेहमानों का आगमन होगा, आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे, व्यापार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ेगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माता से आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में एक दीपक जलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों आज का दिन बेहतर रहेगा, काफ़ी दिनों से फंसा हुआ आपका पैसा अचानक आपको मिल जाएगा। मूलांक 2, ऑफिस में काम समय से पूरा कर देने पर बॉस आपसे खुश रहेंगे। मूलांक 3, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, सेहत के प्रति आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मूलांक 4, आज कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे अवसर आपको मिलेंगे जिससे आय में बढ़ोतरी होनी तय है। मूलांक 5, कारोबार के मामले में आज का दिन शुभ है, आप जो भी नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 6, आज आप परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं जिससे पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। मूलांक 7, आज किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे, मानसिक संतुष्टि मिलेगी। मूलांक 8, आज बाहर से रिलैक्स दिखेंगे लेकिन आपके मन में फ्यूचर के लिए को लेकर कोई प्लानिंग चल रही होगी। मूलांक 9, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपकी ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे ड्राइंग रूम में फर्नीचर की दिशा के बारे में। ड्राइंग रूम में सोफा सेट रखने के लिए या कोई अन्य सजावटी फर्नीचर रखने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा यानी कि नैऋत्य कोण का चुनाव करना चाहिए, ये सबसे बेहतर होता है। फर्नीचर को दक्षिण पश्चिम दिशा की दीवार से सटाकर रखना चाहिए, इससे शुभ वास्तु के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आपके घर की दशा और दिशा इस तरह है कि आप दक्षिण पश्चिम दिशा में फर्नीचर नहीं रख सकते तो आप उत्तर या पूर्वी दिशा की दीवार के सहारे सोफा या सजावटी फर्नीचर रख सकते हैं, लेकिन सोफे को उत्तर या पूर्वी दिशा से चिपका के नहीं रखना चाहिए। ध्यान रहे कि इन दिशाओं में फर्नीचर रखते समय दीवार से फर्नीचर कम से कम 6 से 8 इंच की दूरी पर रखें। ऐसा करने से आपके घर में दिशा से संबंधित कोई वास्तु समस्या नहीं होगी। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और रविवार का दिन है। 9वीं तिथि आज सुबह 8:16 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 12:38 तक वैधित योग रहेगा। ये योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज सुबह 9:23 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। रोहिणी नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाला जातक सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक और रचनात्मक होता है। हालांकि ये लोग थोड़े शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इन्हें दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में समय लगता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृष राशि में आते हैं, जबकि शेष 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। इसके स्वामी मंगल हैं। साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर यानी कत्थे के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज के दिन खैर के पेड़, जिससे पान में लगने वाला कत्था बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप खैर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाएं। तो ये थी चर्चा वैधित योग और मृगशिरा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज महानंदा नवमी की। आज महानंदा नवमी है। नंदा देवी दुर्गा का ही एक रूप है। आज के दिन माँ नंदा की विशेष रूप से उपासना की जाती है। इनकी उपासना से व्यक्ति को अप्रतिम शक्तियाँ मिलती हैं। जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है,
साथ ही दुश्मन से जीतने में मदद हासिल होती है। तो ये थी महानंदा नवमी की चर्चा, और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप बहुत दिनों से अपने लिए एक अच्छी पत्नी की तलाश में हैं, तो आज के दिन आपको दुर्गा सप्तशती के इस विशेष मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस प्रकार मंत्र जप के साथ ही आपको देवी माँ के मंदिर में 16 श्रृंगार का सामान, मतलब श्रृंगार के 16 सामान भेंट करने चाहिए। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही सुख सौभाग्य अच्छा रूप और जीवन में जीत हासिल करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको 108 मखानों से हवन करना चाहिए, साथ ही इस विशेष मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जहि, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जहि। अगर आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो उससे बचने के लिए आज के दिन आपको देवी माँ के इस अति विशिष्ट मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। एक बार फिर इसको पढ़ देता हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप के साथ ही आपको धान के लावे से, यानी धान को भूनकर उससे हवन करना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आप शत्रुओं से होने वाली परेशानियों से बचे रहेंगे। अगर आप जीवन में किसी प्रकार की बाधा से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति में आ रही बाधा हो या फिर पैसों से संबंधित किसी प्रकार की बाधा, इन सबसे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको देवी माँ के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। यह माता का आश्वासन है, वरदान है। इस प्रकार मंत्र जप के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित करें। आज के दिन यह उपाय करने से आपको हर तरह की बाधा से छुटकारा मिलेगा। और अगर आप जॉब करते हैं लेकिन आपको जॉब में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही है, तो आज के दिन आपको अपने सामने 5 कौड़ियाँ रखकर देवी के इस शाबर मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंहवाहिनी 20 हस्ती भगवती रक्त मंडित सोनन की माल उत्तर पथ में आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि धन धान्य देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को एक बार पुनः सुनिए। देखिए, जो शावर मंत्र है इनका बहुत ज़्यादा जप नहीं किया जाता, ये थोड़े जप से ही काम करने लगते। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंहवाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल उत्तर पथ में आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि धन धान्य देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र जप के बाद देवी माँ को नारियल अर्पित करें और सामने रखी कौड़ियों को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। आज के दिन यह उपाय करने से आपको जल्द ही जॉब में बढ़ोतरी मिलेगी। और अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको देवी माँ को पोशाक चढ़ानी चाहिए, साथ ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए।
साथ ही आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में प्यार बना रहेगा। अगर आप जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और यश कीर्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने घर में दुर्गा विसर्जंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए और माँ दुर्गा के अर्घला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहेगी, साथ ही आपको यश और कीर्ति की प्राप्ति भी होगी। अगर कुछ दिनों से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो आज के दिन आपको देवी माँ के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार 108 बार मंत्र जप के साथ ही आपको तिल से 108 आहुतियां भी देनी चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपको जीवन साथी का स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगर आप अपनी बौद्धिक शक्तियों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भी घी के दीपक को बुझाइए नहीं, उसे जलता रहने दीजिए। अगर संभव हो तो आज के दिन अखंड घी की ज्योति जलाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बौद्धिक शक्तियों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत बने रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सिद्ध कुंडलिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, साथ ही यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद उन्हें भेंट स्वरूप कुछ देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप आर्थिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी माँ के निमित्त जौ और गुग्गुल से हवन करना चाहिए। हवन के लिए आप जितनी मात्रा में जौ लें उतनी ही मात्रा में गुग्गुल भी लें, दोनों की बराबर मात्रा में आहुति देनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में सफलता मिलेगी। अगर आप हर तरह से हर काम में अपनी रक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी माँ के चरणों में 5 गोमती चक्र रखकर उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। शूले न पाहि नो देवी पाहि खड्गे न चांबिके घंटा स्वने न नह पाहि चापत जा निस्वने न चा। इस प्रकार मंत्र जप के बाद उन गोमती चक्र को संभाल कर अपने घर के मंदिर में रख दें। आज के दिन ये उपाय करने से हर तरह से हर काम में आपकी रक्षा सुनिश्चित होगी। तो ये थी आज वैधित योग, मृक्षरा नक्षत्र और महानंदा नवमी की चर्चा। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, परिवार के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, सबके नज़रिए को समझने की आप बेहतर कोशिश करेंगे। बी, सरकारी जॉब की तैयारी करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा, मेहनत रंग लाएगी। सी, आज के दिन अविवाहितों की शादी फिक्स हो सकती है, आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। डी, आज पुरानी कहावत का फायदा मिलेगा, रुके हुए कार्यों की गति बढ़ेगी। ई, आज लेखन कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, लोग आपकी सराहना करेंगे। एफ, आज जॉब में प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। जी, आज बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। एच, आज आपके सभी विरोधी परास्त होंगे, शत्रु भी आपके मित्र बनने की ओर अग्रसर होंगे। आई, आज आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, सफलता मिलने में वक्त लगेगा। जे, आज पड़ोसियों से बात करते वक्त अपनी भाषा में मिठास बनाए रखें, रिश्ते और बेहतर होंगे। के, आज बिजनेस में पिता का सहयोग मिलेगा, शाम खुशनुमा गुजरेगी।
एल, आज पैसों की लेन देन में सावधानी बरतें, किसी को उधार देने से पहले उसके बारे में जान लें। एम, सगे संबंधी आपसे ज़्यादा उम्मीद रखेंगे, आप उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरेंगे। एन, आज डॉक्टर्स के लिए दिन अच्छा गुजरेगा, सीनियर डॉक्टर्स का सहयोग मिलेगा। ओ, माता के स्वास्थ्य को लेकर आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। पी, आज बड़े अधिकारी आपकी प्लानिंग की सराहना करेंगे, आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। क्यू, पहले से चली आ रही समस्याओं का आज समाधान निकलने से मन शांत रहेगा। आर, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। एस, आज दोस्तों के साथ किसी आयोजन में जाएंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। टी, पारिवारिक समस्याओं का समाधान निकालने में आज आप सफल होंगे। यू, आज कोई नई बिजनेस डील आपके हाथ लगेगी जिससे काफ़ी अच्छा धन लाभ होगा। वी, आज आपको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, कोई नया काम शुरू करेंगे। डब्ल्यू, आज धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, माता पिता को किसी धार्मिक आयोजन में लेकर जाएंगे। एक्स, जीवन साथी के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं, फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की जरूरत है। वाई, आज पीठ पीछे बुराई करने वालों से सावधान रहें, दूसरों के विवादों में पड़ने से भी बचें। जेड, आज आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, परिवार वालों के साथ पार्टी करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं मोढेरा के सूर्य मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के मोढेरा में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है, जिसे राजा भीमदेव ने बनवाया था। मंदिर तीन हिस्सों में बटा है, पहला मुख्य मंदिर, दूसरा सभा मंडप तथा तीसरा कुंड, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। मंडप में सुंदरता से गढ़े पत्थर के स्तंभ अष्टकोणीय योजना में खड़े किए गए हैं। कुंड के भीतर भी कुछ छोटे छोटे मंदिर बनवाए गए हैं, जो भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु और शीतला माता को समर्पित हैं। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत सूर्य मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे लकी जीवन साथी के बारे में। अगर आपकी शादी अब तक नहीं हुई है और एक अच्छे रिश्ते की तलाश जारी है, तो सामुद्रिक शास्त्र में आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिनसे आप अपने लिए एक बेहतर जीवन साथी ढूंढ सकते हैं, खास करके एक सुयोग्य पत्नी। सबसे पहले, जिनके पैरों के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान हो, वे बहुत ही बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती हैं। ऐसी जीवन साथी आपके परिवार की हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगी और सभी को खुश रखेंगी। वहीं जिनके तलवों पर शंख, कमल या चक्र का निशान हो, वो भरपूर किस्मत का भरपूर धनी होता है। ऐसा जीवन साथी अपने साथ आपकी किस्मत के दरवाजे भी खोलेंगे। साथी जिनके पैर गुलाबी आभा लिए बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो आपको हमेशा खुश रखेंगे, आपका हमेशा साथ देंगे। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 18 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नौमी तिथि आज सुबह 8:16 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 8:50 तक रहेगी। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे। आज चीनी दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।